प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अज आप गल करांगे छेवीं जमात विशा पंजाबी पाठ नंबर 7 बसंत रुत्त। अज आप इस पाठ के प्रश्न उत्तर करांगे। इस तो इलावा बच्चों चैनल से सारे पाठों के प्रश्न उत्तर पाए हुए हैं, वो तुसी प्लेलिस्ट विच जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के दिता हुआ है। हुण आप बच्चों इसके सरल अर्थ करते हैं ता कि कविता समझण दे विच कोई परेशानी ना आवे अते प्रश्न उत्तर चंगी तरह समझ आ सकन। ककरां ने लुट पुट नंग कर छड़े रुख, हो गए निहाल अज पुंगर के डालियां, डालियां कचाह वांग कूलियां नूं जिंद पई, आलणे दे बोटां वांग खंभियां उछालियां। तां बच्चो इस पैरे दे अर्थ हैगे ने, सियाल दी ककरां भरी ठंडी रुत्त ने रुखां दे पत्ते सुका के झाड़ दित्ते हन। इस तरह उसने रुखां दे पत्ते सुट के उन्हां नूं नंग मनंग कर दिता सी, पर अज बसंत रुत्त दे आउण ते डालियां दे पुगरन नाल ओह खुश हो गए हन। चाह वर्गियां कूलियां विच जान पै गई जापदी है, ते उन्हां उपर निकले निक्के निक्के नवें पत्ते इंज जापदे हन जिवें पंछियां दे बोटां नूं निक्के निक्के खंभ निकल आए होण। आड़ा बागां विच बूटियां ने डोडियां उडारियां, बागां विच बूटियां ने डोडियां उभारियां ते मिठी मिठी पौण आके सुतियां उठालियां। खिड़खिड़ हसदियां बसिया जहान बेख, गुट उत्ते केसर गुलाब उत्ते लालियां। हुण बच्चे सरल अर्थ करते हैं इसदे। बसंत रुत्त आउण ते बागां विच बूटियां ने डोडियां कढ लईयां हन ते मठी मठी हवा ने सुतियां डोडियां नूं जगा के फुल्लां दा रूप दे दित्ता है। गेंदे दे फुल्लां उपर केसर ते गुलाब दे फुल्लां उपर आईयां लालियां बसदे जहान नूं देख के खिड़खिड़ हसदियां जापदियां हन। फुल्लां भरे गमलियां नूं जोड़ियां कतार बन, हरी हरी घा दी बिछाई उत्ते मालियां, बुलबुल फुल फुल फुल्लां दे सदके लए, पौरे लटवारियां नूं आईयां खुशहालियां। बसंत रुत्त दे स्वागत विच मालियां ने हरे हरे घा दे विछाउणे उत्ते फुल्लां भरे गमलियां नूं कतारां बन के जोड़ दिता है। खुशी नाल फुली हुई बुलबुल फुल्लां तों कुरबान जा रही है ते मस्त भौरे खुश हो रहे हन। पंछियां ने गाया हिडोल ते बसंत राग, चिरां पिछों रब ने मुरादां ने विखालियां, केसरी दुपट्टे नूं बसंत कौर पहन जदों भौरेदार नैणां विच्चों सुट्टियां गुलालियां। इहदे अर्थ हैगे ने बच्चों, बसंत रुत्त दे आउण ते पंछियां ने खुशी भरे हिडोल ते बसंत राग गाए हन क्योंकि रब ने बड़े चिरां पिछों उन्हां दीआं मुरादां पूरीआं कीतीआं हन। बसंत रूपी इस्त्री बसंत कौर केसरी दुपट्टे नूं पहन के डोरेदार नैणां विच मस्ती भरीआं गुलालियां सुट रही है। हुण बच्चों आपां इसदा पाठ अभ्यास करदे हां। पहला प्रश्न हैगे, बसंत दी आम ते रुख क्यों निहाल हुंदे हन? उत्तर, क्योंकि रुखां दीआं डालियां जिन्हां दे पत्ते सियाल दे ककरां ने झाड़ दित्ते हुंदे हन बसंत दे आउण नाल ओह नवें पुंगरे पत्तियां नाल भर जांदियां हन। आड़ा बसंत दी रुत्त आउण ते बूटियां विच किहो जिही तब्दीली आउंदी है? उत्तर, बसंत दे आउण नाल बूटे हरे भरे हो जांदे हन ते उन्हां नूं डोडियां निकल आउंदियां हन ते ओह खिड़ जांदियां हन। ईड़ी, बसंत रुत्त मौके पंछी किहड़े राग गाउंदे हन? उत्तर हैगा बच्चे, बसंत रुत्त दे मौके पंछी हिडोल ते बसंत राग गाउंदे हन। सस्सा, बसंत रुत्त विच लोक किहड़ा रंग पहनदे हन? उत्तर, केसरी। आखिरी चार सत्रां दे अर्थ लिखो। बच्चे आखिरी चार सत्रां दे अर्थ हैगे ने, बसंत रुत्त दे आउण ते पंछियां ने खुशी भरे हिडोल ते बसंत राग गाए हन क्योंकि रब ने बड़े चिर पिछों उन्हां दीआं मुरादां पूरीआं कीतीआं हन। बसंत रूपी इस्त्री बसंत कौर केसरी दुपट्टे नूं पहन के डोरेदार नैणां विच मस्ती भरीआं गुलालियां सुट रही है। अग्गे हैगे बच्चो, हेठ लिखीआं सत्रां पूरीआं करो। ऊड़ा, डालियां कचाह वांग कूलियां नूं जिंद पई, आलणे दे बोटां वांग खंभियां उछालियां। आड़ा, खिड़खिड हसदियां बसिया जहान बेख, गुट्टे उत्ते केसर गुलाब उत्ते लालियां। ईड़ी,
बुलबुल फुल फुल फुलां दे सदके ले पौरे लटबौरिया नूं आईआं खुशहालियां। सस्सा पंछियां ने गाया हिडोल ते बसंत राग, चिरां पिछों रब ने मुरादां ने विखालियां। हेठ लिखे शब्दों वाकों में वरतो। अगे बच्चों आपां नूं कुछ शब्द दिते होए ने, उन्हां दे आपां ने वाक बनाउणे ने। ते जिस तरह पहला हैगे निहाल, इहदा अर्थ हुंदा खुश। कीर्तन सुन के संगतां निहाल हो गईआं। नंबर दो जहान दुनिया, सारा जहान शांति चाहुंदा है। नंबर तीन सदके, इहदा अर्थ हैगे बच्चों कुरबान, माँ अपने पुत्र तो बार बार सदके जा रही सी। नंबर चार मुराद इच्छा, रब ने मेरी मुराद पूरी कीती ते मैनू चंगी नौकरी मिल गई। नंबर पांच कतार, इहदा अर्थ हैगे बच्चों लाइन, सारे जने एक कतार विच खड़े होकर टिकटां लवो। नंबर छे दृश्य नज़ारा, पहाड़ी दृश्य कितना सुंदर है। इस कविता नूं जवानी याद करके अपनी जमात की हफ्तावारी बाल सभा विच सुनाओ। नंबर पांच हैगे बच्चों औखे शब्दों के अर्थ, जहान जहान का अर्थ हुंदा बच्चों संसार, हिडोल खुशी का राग, डोरेदार धारीदार। व्याकरण, पिछले पाठों में तुसी नाव बारे पढ़िया है, इस पाठ विच्चों नाव दीयां 10 उदाहरणां चुन के अपनी अपनिया कापियां विच लिखो। बच्चों इत्थे आपां नाव दीयां उदाहरणां देखदे हां, जिवें आम नाव किहड़े किहड़े हुंदे ने। आम नाव हुंदे ने रुख, डालियां, आलणे, बोटां, बागां, बूटियां, फुल्लां, गमलियां, खंबियां, राग, नैणा। ते खास नाव किहड़े हुंदे ने बच्चों, बसंत, गुट्टा, केसर, गुलाब, हिडोल, रब, बसंत कौर। ठीक है, इस तो बाद है ने बच्चों इकट्ठवाचक नाव, ये किहड़े हुंदे ने कतार। ठीक है, नंबर चार है वस्तुवाचक, इत्थे वस्तुवाचक लिखे जाएगा बच्चों। वस्तुवाचक नाव का दुपट्टा। नंबर पांच है भाववाचक नाव, कक्कर, पौण, जहान, लालियां, मुराद, ये सारे बच्चों भाववाचक नाव ने। इस तरह बच्चों इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं। ये बाकी सारे पाठों के प्रश्न उत्तर भी चैनल पर पाए हुए हैं, वो तुम प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दिता हुआ है। तो चैनल में सबसक्राइब जरूर करो, वीडियो में लाइक करो, तो अपने दोस्तों मित्रों शेयर करो। धन्यवाद।